प्रदेश के पीएचसी और सीएचसी और जिला अस्पतालों में शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग ठप स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप रही और ये कहना रहा कि नौकरशाह स्वास्थ्य मंत्री को गुमराह कर रहे हैं। 2 साल पहले भी उनकी मांगों पर सहमति बनी थी पर सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया, उन्हें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा है। हालांकि सरकार इन्हें मानने के लिए, इन्हें मनाने के लिए डॉक्टर्स के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत भी कर रही है। एचसी सीएचसी और जिला अस्पतालों में आज एचसीएमएस हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज के तमाम डॉक्टर सैकड़ों की तादाद में आज हड़ताल पर हैं। दरअसल 27 दिसंबर को 2 दिन पहले इन्होंने ओपीडी बंद की थी और सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि हमारी मांगे पूरी करो, 2 दिन का टाइम दिया था 27-28। कल बात भी हुई लेकिन बात बनी नहीं, इसी वजह से आज सुबह से सीएससी पीएससी और जिला अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। मीडिया से भी अभी बात नहीं कर रहे, इनको शायद सरकार की तरफ से मैसेज है कि जरूरी मीटिंग रखी गई है, आप तब तक इंतजार कीजिए, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि हम कैजुअल लीव पर हैं। दरअसल डॉक्टरों की शिकायत यह है कि 2 साल पहले इनकी मांगों को लेकर सरकार से एक सहमति बनी थी लेकिन उन मांगों को आज तक लागू नहीं किया गया। इसके बाद भी मतलब ज्ञापन मीटिंग्स होती रही लेकिन वो मांगे पूरी नहीं हुई, लिहाजा उनको मजबूर होकर आज ये कदम उठाना पड़ रहा है। आज तमाम अस्पतालों में पीएससी सीएससी में ओपीडी बंद है। मरीज जो गरीब आदमी है, जो गांव से आता है, उनको जिनको पता नहीं है वो आए हैं लेकिन उनको पता लगे कि आज हड़ताल है। पानीपत के जिला अस्पताल में हमने देखा कि सीएमओ खुद मरीजों को देख रहे हैं। करीब 70 डॉक्टर हड़ताल पर हैं। उनका ये कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। इनकी मांगों में यह है कि एसएमओ की सीधी भर्ती रोकी जाए, जो डॉक्टर्स ज्वाइन करता है उनको प्रमोशन के जरिए एसएमओ बनाया जाए। दूसरा, पीजी लेवल पर 1 करोड़ का बॉन्ड लिया जाता है, सरकार 1 करोड़ का बॉन्ड भरवाती है अगर किसी ने पीजी कोर्स के लिए जाना है। इनका कहना कि ये अन्याय है, इतना 1 करोड़ रुपया कैसे कोई दे सकता है आजकल महंगाई के जमाने में। तीसरा, इनका ये भी है कि वर्कलोड ज्यादा है। चौथी बात यह कि स्पेशल काडर बनाया जाए। स्पेशल काडर बनाया जाए, ये कल इस मुतल्लक एक कोई खबर भी मीडिया में आई थी कि स्पेशल काडर बनाया जा रहा है। जब डॉक्टरों से पूछा गया तो इनका ये कहना था कि ये बात तो हम सुनते आ रहे हैं कि स्पेशल काडर बनाया जा रहा है लेकिन मांगे मानी नहीं जा रही। 2 साल हो गए, मजबूर होकर उन्हें आज ये हड़ताल करनी पड़ी है। इसका असर ये कि सामने पोस्टमार्टम रूम है, वहाँ डेड बॉडीज पड़ी है, पोस्टमार्टम नहीं हो रहा। अब ये पोस्टमार्टम नहीं करे, यहाँ पोस्टमार्टम के लिए ले आए थे, ये पोस्टमार्टम नहीं करे। सीएम तो रहा, ये कह रहा डॉक्टर से मैंने फोन कर दिया, डॉक्टर तो रह जाते, कहते आज होता नहीं है, हम छुट्टी पे, हम हड़ताल पे हैं। डॉक्टर्स ये भी खुलकर कह रहे कि हमारे एचएम हेल्थ मिनिस्टर साहब हमारी मांगों को मानने के लिए गंभीर है लेकिन उनको हर बार मिस गाइड किया जाता है। ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मिस गाइड करते हैं, इसी वजह से उनकी मांगे इतने समय से लंबित है, ये डॉक्टर्स का कहना है। लिहाजा अब मीटिंग है, मीटिंग में क्या फैसला होता है। कैमरामैन राजेश कुमार और सहयोगी डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत, बीरू।